अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। आप ऐसा मत करो मेरे भाई। आप इधर का बच्चे वो फुगट का पुकारा है, लाइट लो इधर देखो। अपने पास कामा कम होते पुकारे ज्यादा होते, इतनी बात सोच के चलो। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदि व आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मअ'लूमातिका व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। तो दोस्तों हुआ ये कि सहाबी का रंग सोला रंग था, सहाबी की अहलिया का रंग भी सोला रंग था, मगर हुस्ने इत्तेफाक खुदा की खुदरत कुछ ऐसी हुई कि उनके घर में बिल्कुल सफेद और अभियस रंग का बच्चा पैदा हुआ। सफेद और अभियस रंग का बच्चा, तशरीफ ला चुके हैं आप लोग, अपनी अपनी जगह खामोशी से बैठे। सीढ़ी के पास से अंदर, सीढ़ी के पास से अंदर, साउंड खुल जाएगा। सीढ़ी के पास से अंदर बॉक्स का ख्याल रखें। लीजिए नारे तकबीर से इस्तेमाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, गाजिए मिल्लत, गाजिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग खामोशी से अपनी अपनी जगह बैठ जाए और स्टेज पर जो मुंतजमीन है उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी अपनी अपनी जगह बैठ जाए। Thank you.
एक बार नबी के पाक पढ़े اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وعلى آله وصحبه وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله سلام وسلام عليك يا حبيب الله سلام وسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه कर रहा था सहाबी के घर बहुसने इत्तेफाक खुदरत कुछ ऐसी हुई कि गोरा अबियस बेटा पैदा हुआ। जब सहाबी अपने बच्चे को घर के बाहर लेके निकले मुनाफिकीन ताना देने लगे कि ये आपका बेटा नहीं होता। नौज़ुबिल्लाह सहाबिया पर तोहमत लगाने लगे क्योंकि उनका रंग सौला था और वो बच्चे का रंग बिल्कुल अबियस गोरा था। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि सहाबी सौले हैं और इनका बच्चा गोरा है तो उनको मौका मिला अपनी शरारतों को बिखेरने का, अपनी जलालतों को पेश करने का। तो उन्होंने सहाबी पर इल्जाम लगाना शुरू किया, ए बाबू ये क्या फुगट का पुकारा कर रहे थे, हटो हट जाओ हट जाओ, चिचोरा पाना कर रहे खाली, ऐसा कर रहे पट्टे पर पड़ा तीर मार के आए काम करके पहचान लिया। बैठ जाओ खामोश, इन्हें बॉडीगार्ड है, इसको इसको बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ गई। मसले को सुनो दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा मजमुआ है ये टाइम ऐसा फजूल और बेकार जाए। आज आप सुनने के लिए आए हैं, ताजुल औलिया का सदका लेने आए हैं तो लेकर जाए, खामोश बैठ जाए, एक आवाज नहीं करेगा। तो अब सुनो मेरे दोस्तों, सहाबी रसूल जब अपने बच्चे को बाहर लेकर निकलते तो ताना दिया जाता कि ये आपका बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा है। सहाबी सोचते गए ये कौम जो मेरे नबी को कबूल नहीं करी, ये कौम जो मेरे नबी की इज्जत और अस्मत नहीं बचाई, वो कौम क्या मुझे कबूल करेगी, वो क्या मेरी अस्मतों को मानेगी, वो क्या मेरे साथ हुस्न सुलूक कर सकेगी। ये सोचकर सहाबी खामोश बैठे रहे। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, दस दिन गुजर गए, महीना गुजरा, साल गुजरा, दो साल गुजरे, चार साल गुजरे, लेकिन जलालत और शरारत कम होने का थमने का नाम नहीं ले रही है। जलालत अपने उरूज पर है, शैतानियत शरारत अपने उरूज पर है। सहाबी जब भी बाहर निकलते दुनिया इल्जाम लगाने लगी, मुनाफिकीन शरारत करने लगे कि ये आपका बेटा नहीं, ये किसी और का बेटा है, ये किसी और का बेटा है, ये किसी और का बेटा है। सबर करते करते सबर करता सबर का जाम लबरेज होने लगा। सहाबी रसूल ने देखा कि अब रहा ना जा रहा है, क्योंकि अब मैं बर्दाश्त करते करते गुजर तो जाऊं लेकिन कहीं कल मेरे बच्चे का जीना मुश्किल ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा इसी तोहमत और इसी जलालत में कहीं जिंदगी गुजारना ना पड़े। सहाबी गए अपने घर, अपने बेटे को गोद में उठाए, अपनी अहलिया का हाथ पकड़े, दरबारे मुस्तफा में तशरीफ लाए, दरबारे मुस्तफा में तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। उस वक्त मदीने के ताजदार अपने दिगर सहाबा इकराम के साथ मुशावरत में मजलिस में मसरूफ है। ये सहाबी बेचैन होकर खराब होकर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आज आप फैसला कर दीजिए कि ये मेरा बेटा है या किसी और का बेटा है। अरे सहाबी का अकीदा बयान कर रहा है, ये वो नबी है जो ये जानता है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका नुस्खा है, कौन किसकी औलाद है, ये नबी जानते हैं। सहाबी इसलिए किसी और जगह नहीं गए, घर में जाके अपनी बेगम से नहीं पूछे कि दुनिया तुम पे तोहमत लगा रही है, ये क्या बात है, इसमें हक है कि ये शक है या गलत है।